त्योहार हो गए, मौज मस्ती का समय गया, अब फिर से बारी आ गई है खुद को झोंकने की, खुद को उसी पावर के साथ ताकत के साथ काम में लगाने की। होता है ना कि जब लाइफ में लगातार सालों मेहनत करो और फिर कुछ खास ना हो, कुछ फर्क ना पड़े, तो दुख होता है। लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो सब कुछ किया है ना। खुद पर सवाल खड़े होते हैं और साथ ही ये भी लगता है कि अब मेरे से नहीं हो सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। अगर इतनी मेहनत करने के बाद मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है तो आगे क्या ही हो सकता है, मैं बेकार हूँ। और बेहद आसान है उस वक्त ये कहना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस एक दिन का इंतज़ार बेहद कठिन होता है। उस एक दिन सब ठीक हो जाने के इंतज़ार में हमारा हर दिन कुछ ना कुछ छूट रहा होता है। हम हर रोज़ सोचते हैं कि आज कुछ बेहतर होगा, ये जो मेहनत मैंने अब की है इसका फल मुझे मिलेगा, पर नहीं मिलता। और तब हमारे अंदर आता है डिमोटिवेशन, हम और भी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। सफलता के इंतज़ार में हम हर रोज़ सोचते हैं कि आज कुछ और नहीं करते हैं, घूमने नहीं जाते हैं, गेम्स नहीं खेलते हैं, मूवीज़ नहीं देखते हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करते हैं जिससे कि हमारा समय नष्ट हो, सिर्फ मेहनत करते हैं। पर ये मेहनत करते करते जब समय हो जाता है ना, तो खुद पर सवाल खड़े होने लगते हैं। लगता है कि शायद अब हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। उस वक्त मुझे गौतम बुद्ध की एक लाइन याद आती है, वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं हमारे विचारों का परिणाम है, हमारा मन ही सब कुछ है, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है। यानी कि सारा खेल हमारी सोच का है। अगर उस कठिन सिचुएशन में हमने ये सोच लिया कि अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं गिव अप कर दूं, तो फिर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो पाएगा। एक कहावत है ना कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का डर नहीं रखते। देखो सिंपल सी बात है, अगर जीतना चाहते हो तो हारना पड़ेगा, अगर उड़ना चाहते हो तो ज़मीन में गिरना पड़ेगा, और इससे बच नहीं सकते। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही होगा, तो तैयार हो जाओ और खुद को इस तरह तैयार करो कि हार लाख आ जाएं पर हिम्मत न डगमगाए। याद रहे, रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, हार का मकान भी जर्जर होगा। ज़रूरत बस हिम्मत की होती है बॉस। जब लाइफ में इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है ना, तब भी उसके अंदर हिम्मत ज़रूर होती है, जिसके साथ वो कर सकता है सब कुछ, जिसकी तमन्ना और ख्वाहिश लेकर वो बैठा है। ऐसा नहीं है कि तुम हारोगे नहीं, तुम लगातार जीत ही नहीं सकते, और हो सकता है कि कंटिन्यूसली हार ही मिलती रहे। पर नेल्सन मंडेला का वो थॉट है ना कि जीवन में सबसे बड़ी सीख कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ खड़े होने में है। बस वो बात याद रखना कि गिरते हैं तो गिरने दो, पर उठेंगे, हर बार उठकर लड़ेंगे। याद रहे, सपने को पूरा करने का एक रूल होता है, तुम उसे आसानी से नहीं पा सकते, एक कठिन दौर और संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर मिलती है वो सफलता। कई लोगों को जल्दी मिल जाती है, होते होंगे कुछ किस्मत वाले लोग जिन्हें आसानी से सब मिल जाता है, पर कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा लड़ना पड़ता है किस्मत से भी और खुद से भी। बस याद रहे कि तुम्हारी जो सोच है ना वो सही होनी चाहिए, क्योंकि तुम अगर सोच बदल ले गए तो अपनी ज़िंदगी बदल दोगे। हालातों से डरना छोड़ दो, क्योंकि हालात डराते हैं पर मजबूत भी वही बनाते हैं, लड़ने के काबिल भी वही बनाते हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाकर कह दो दुनिया से कि हालातों से हारने वाला मत समझना, आज हवा तेरी है, कल तूफान हमारा होगा।